हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप यू आर हैविंग अ ब्यूटीफुल डे और आपका प्रॉफिटेबल डे भी गया हो। एनीवेज, मैंने ट्विटर पे कुछ डाला था एंड वही हुआ कल। मैंने मतलब वीडियो नहीं बना पाया तो, बट मैंने ये बोला था कि यहाँ पे शॉर्ट मत करना इस कैंडल को देख के, या कोई पोजीशंस नहीं लेके जाना। या तो मुझे एक ग्रीन कैंडल दिख रही है या एक डॉजी दिख रही है। एंड ट्विटर पे मैंने यही बोला था कि शॉर्ट बिल्कुल मत करना। तो आप देखिए, आज ग्रीन कैंडल हमें दिख गई। जब भी मैं वीडियो नहीं डालता हूँ, अगर बिजी होता हूँ, तो मैं अपडेट कर देता हूँ ट्विटर पे। एनीवेज, सो आज निफ्टी ने कहाँ काम काज किया, वो बात करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा एक लेवल जो अभी मैं आपको हर बार बता रहा हूँ कि ये वाला लेवल है। और ये लेवल मैंने किस लिए बताया था कि निफ्टी एक एम पैटर्न बनाया, राइट? ये डेली चार्ट है, एम पैटर्न बनाया, और ये मिड पार्ट है एम पैटर्न का। तो ये अगर क्रॉस होता है तो हम 100 to 140 पॉइंट के लिए ऊपर बैठेंगे। तो ये हमारा एक लेवल है। तो होप यू गेट इट। बट एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा और उसके बाद हम 15 and 5 मिनट के चार्ट पे चलेंगे। सी निफ्टी ना, ये एम पैटर्न तो बना दिया, अब मे बी निफ्टी एक डब्ल्यू पैटर्न बनाए। तो आपको जो हमारा ये दूसरा लेवल है, अगर पोजिशनल खेलना है उससे पहले नहीं करना है, बट ये लेवल देखोगे तो आई विल डू पोजिशनल तेजी। मतलब पोजिशनल तेजी के लिए हम खेलेंगे इसको। तो आप ये लगा लीजिए, हमारा ये लेवल है 17,432, 420। ये आपका ये लेवल है। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो ये डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, राइट? अब ये झुका हुआ डब्ल्यू, आप कुछ भी बोल लो, वो बनाएगा। तो आपको ये देखना है। एनीवेज, एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि अगर आप देखोगे ना, बहुत टाइम से निफ्टी एक रेंज में है। मैं दिखा देता हूँ, एक ये रेंज है, एक ये रेंज है। तो ओवरऑल, एक मिनट, निफ्टी एक रेंज है, रेंज में है। और आप इस रेंज को प्ले करोगे तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, ठीक है? और जो लेवल्स हैं निफ्टी के, मैंने एक और लेवल्स बताए थे आपको कि ये देखोगे ना, ये 26 या 27 सितंबर के लेवल्स हैं ये, एंड ये वाले हैं। मैंने ये आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, ये लेवल्स हैं। और मैं पिछली वीडियो में, अगर आपको देखा होगा, मंडे को मैंने बोला था कि अगर ये लेवल पे जाएगा तो आई विल बाय। यहाँ पे एक बार रिवर्सल आएगा, निफ्टी ने आया। और मैंने कल ट्विटर पे भी यही बोला था कि ये कैंडल को मैं ट्रस्ट नहीं करता, ये ट्रैप हो सकता है, तो आई विल नॉट शॉर्ट, आई विल ओनली बाय। अब वो 5 to 10 का एसएल लगा के आपने बाय किया होगा तो अच्छे खासे पैसे बने होंगे। और मार्केट क्लोज होने से ही पहले मैंने वो ट्वीट किया था, तो अच्छे खासे आपको 150-200 पॉइंट मिल गए होंगे निफ्टी में। एनीवेज, अब चलते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पे कि आज निफ्टी ने कहाँ क्या किया और कल कहाँ क्या कर सकता है। सी ये मैंने आपके सामने डेली पे ड्रॉ किया था रेंजेस। ये थोड़े आपने पॉइंट्स देखे थे। अब मैं छोटा कर लूँ इसको तो आप ये देखोगे ना, ये 15 मिनट के चार्ट पे ओनली रेंज है, वो ही रेंज है, राइट? आप देखोगे, और मैं छोटा कर लेता हूँ इसको, गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो आप ये रेंज देख रहे हो ना, ये मार्केट रेंज में है, राइट? अब एक चीज और देखना है आपको। आज निफ्टी ने, एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, गिव मी अ सेकेंड। आज थोड़ा सा हम ऐसे ही दिखाता हूँ मैं। अगर आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आज ये क्रॉस किया। अगर किसी ने यहाँ पे भी नहीं लिया होगा, ऐसी आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखना है, तो आप 40 पॉइंट से 50 पॉइंट तक आप ये ट्राई कर सकते हो। बट आपको ये खुद ड्रॉ करनी पड़ेगी अगर आपको साइडवेज मार्केट दिख रहा है। होप यू गेट इट। और मैं कुछ EMAs लगाता हूँ, वो मैं जो आपको बाद में दिखाऊंगा मैं। एनीवेज, सो आज अब निफ्टी ने कहाँ काम काज किया वो बात कर लेते हैं। गिव मी अ सेकंड, ये हटा लेते हैं। सो
ये हम आज का चार्ट ले लेते हैं, 1 मिनट। ओके सॉरी, आज मुझे क्या हो रहा है पता नहीं, मैं बाहर हूँ। तो निफ्टी ओपन होता है यहाँ पर, राइट? ये ओपन हुआ, एक हैमर बनाया, फिर निफ्टी नीचे आया एंड फिर ऊपर गया। ओके, होप यू गेट इट। सी, बट जो हमने लेवल्स बताए थे कि ये वाला लेवल है एंड ये वाला लेवल है, निफ्टी वही लेवल के आसपास से ही रिजेक्ट होके नीचे नहीं जाता है एंड वो ऊपर जाता है। गॉट इट, होप यू गॉट इट। अब ये लेवल्स हमें रखने हैं जब तक साइडवेज मार्केट है, और जो मेरा जो मेन लेवल है हम जहाँ पे नहीं तेजी करेंगे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो उस लेवल को आपको देखना चाहिए। एनीवेज, अब हमें क्या करना है, कल मार्केट अगर ओपन होती है साइडवेज, यहीं पे ओपन होती है, राइट? तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं देखूँगा कि अगर ये मार्केट यहाँ से नीचे जा रही है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, पहले मैं आई विल वॉच 10 to 15 मिनट। बट साइडवेज में अगर निफ्टी यहाँ पे पास में ओपन करती है और इसको फॉलो थ्रू नहीं देती है ऊपर, तो मैं पीई की पोजीशन में बैठूंगा और मैं देखूंगा कि मार्केट यहाँ पे नीचे जानी चाहिए। तो मैं 17,170 के पास में अगर मार्केट ओपन होके ऊपर नहीं जाती है तो मैं 15 से 10 पॉइंट का एसएल के साथ ट्राई करूंगा निफ्टी को शॉर्ट करना, और हमारा जो टारगेट होगा वो 16,984 होगा। होप यू गेट इट। बट अगर निफ्टी ये क्रॉस करती है लेवल, तो फिर हमें क्या करना है, अगर गैप अप ओपन होती है, गैप डाउन के बारे में हम बात करेंगे, बट अभी ये साइडवेज और गैप अप के बारे में बात कर लेते हैं। ये हटा देता हूँ मैं। अगर निफ्टी गैप अप ओपन होती है और फॉलो थ्रू देती है इसको, इस एरिया को, राइट? तो ये 16,170 के ऊपर जाती है तो मैं बैठूंगा, सी लूंगा मैं, और 5 to 10 पॉइंट का एसएल के साथ मैं बैठूंगा इसके लिए, 17,280 के लिए। होप यू गेट इट। 100 पॉइंट के लिए आई थिंक हमें बैठना अच्छा रहेगा, और फिर हम देखेंगे कि क्या निफ्टी ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। बट अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है यहाँ पर, तो इमिडिएटली आई विल टेक पुट, ओ सॉरी सी, मैं कॉल लूँगा और मैं 5 to 10 पॉइंट का एसएल के साथ ऊपर जाने का ट्राई करूँगा कि ऊपर जाएगी निफ्टी। ओके, बट इस पॉइंट पे मार्केट बहुत गैप डाउन ओपन होती है एंड ये पॉइंट से नीचे ओपन होती है, ये दोनों पॉइंट से, और एक बार नीचे ट्राई करती है जाना, तो मैं यहाँ का ये वाली रेंज का एसएल लगाऊंगा और एक शॉर्ट पोजीशन में बैठूंगा। मुझे लगता है कल मार्केट एक ट्रेंडिंग रहेगी, एक अच्छा खासा मूव आ सकता है या ऊपर या नीचे का, तो आपको ये देखना है। एनीवेज, अभी इसका जो नीचे अगर ओपन होती है हमें टारगेट क्या हो सकता है, तो ये हम जो टारगेट है हमारा जो हमने बताया था वो होगा 16,753। होप यू गेट इट। सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलते हैं कल। हैव अ ब्यूटीफुल डे, सी या।